सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है सारिका सिंह और मैं हूँ कानपुर के शिव की नगरी शिवराजपुर से। तो फ्रेंड, आज हम आए हैं अपनी बहन के घर। उनकी ननंद की आज हल्दी की रस्म है, तो अभी आप लोगों को दिखाते हैं मेरे यहाँ हल्दी का फंक्शन किस टाइप से क्या होता है। आप लोगों को अभी सारा सब कुछ दिखाते हैं। ये देखो सारे बच्चे कैसे खेल रहे हैं। सूर्यांश, हाँ, हल्दी की पहले का इस टाइप का नज़ारा ये देखिए। हाँ, ये सारी लेडीजें बैठी हुई हैं। अभी देखिए हलवाई लगे हुए हैं, खाना वगैरह बना रहे हैं। ये देखो बुआ, ये मोसर में कलर कर रही हैं, ये देख सकते हैं। जब दुल्हन की हल्दी होती है तो बुआ कलर करती। ये हैं दुल्हन की बुआ जी और ये हैं दुल्हन की भाभी। ये बुआ देखिए हल्दी में गेहूँ से कलर कर रही हैं। ये भी एक रस्म होती है जो कि सिर्फ बुआ ही करती हैं, और इसके बदले में बुआ को नेक भी मिलेगा। बुआ कितना नेक मिलने वाला है आपको? हाँ, अच्छे से नेक ना, लास्ट है इस बार। हाँ, अब फ्रेंड आप लोगों को दिखाते हैं ये हल्दी की पहली रस्म। सब लोग, बुआ भाभी लोग, सब लोग ये देखिए कोच में अभी सब लोग ले रहे हैं। इसमें चने की दाल और बतासे ले रहे हैं सब लोग। ये गाइस आप लोग देख सकते हैं, ये बुआ ये सगुन के गेहूँ पचोर रही है, ये देखिए। ये देखिए, ये हमारे सनातन धर्म की रिवाज, बहुत ही रीत रिवाज से लड़कियों की लड़कों की शादी हम लोगों के यहाँ मनाई जाती है, जो कि शादी की पहली रस्म है। उधर आप सब लोग देख सकते हैं, उधर दीदी लोग मंगल गीत गा रही हैं। ये देखिए, बुआ गाना गाइए। हाँ, हाँ हमें भी नहीं आते हैं। अब ये देखिए आप सब लोग, ये हाँ ये मंडल है। ये क्या दाल पीस रही हैं? ये दाल पीसने की रस्म है, इसी से मिधौरी लगाते हैं सगुन की। ये देख सकते हैं, हल्का सा उसको उठा दो, दाली अगर उसके अंदर चली जाएगी ना। हाँ, पकड़ लो ये देखिए, ये आप सब लोग गाइस देख सकते हैं ये क्या क्या रिवाज होते हैं हम लोगों के यहाँ। ये देखिए, पांच बार होगा कि एक ही बार होता है? अच्छा, फ्रेंड आप सब लोग देख सकते हैं कितने ही रीत रिवाज से हम लोगों के यहाँ सारे ही कार्यक्रम होते हैं। जो ये सौगने बनी हुई हैं हम लोगों के यहाँ, जो सुहागन भाभी होती हैं वो लोग ये रीत रिवाज करते हैं। अच्छा, ओकल पूजन हो रहा है, ये इसको हम लोगों के यहाँ रीत रिवाज में ओकल पूजन बोलते हैं। ये देखिए फ्रेंड आप सब लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मंगल गीत गाए जा रहे हैं, बहुत ही खुशियों का माहौल है इस समय।
फ्रेंड अब सब लोग गए हैं यहाँ पे, ये देखिए सारी जो लेडीजें थीं वो अब गई हैं वहाँ पे, वो मिट्टी लेने गई हैं। उससे क्या होता है, हम लोगों के यहाँ चूल्हा बनाया जाता है, जब भौरे पड़ती हैं तो इसी चूल्हे के साथ में मंडप के नीचे रख के तभी। फ्रेंड शादी के घर में तो खुशियों का माहौल होता है और आज बहुत ही खुशी का दिन है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप सब लोग देख सकते हैं हम लोगों के यहाँ कैसे रीत रिवाज होती है। आप सब लोग इस ब्लॉग में ज़रूर देखिएगा और मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि किसके किसके यहाँ ऐसे रीत रिवाज होते हैं। हम लोग मिट्टी लेके आए हैं। हाँ और इसी बनेगा। हाँ और इसी से भावरों की तारीख पे सब होगा, उसी से शादी में भावरे पड़ेंगे। हाँ हाँ ये मेरी बुआ जी हैं, ये देखिए मिट्टी लेके आई हैं। थक गई ना बुआ जी। लोग देख सकते हैं अब ये दाल की मिगौड़ी लगाई जा रही है, ये सगुन की मिगौड़ी होती है तो ये लंबी लंबी लगाई जाती है, पहले 5 बनाई जाती हैं, इसको सगुन में बहुएं बोलते हैं। ये आप देख सकते हैं सब लोग। आप फ्रेंड आप सब लोग देख सकते हैं मिथौरी वगैरह ये सारी सब लग चुकी हैं और ये देखिए ये बन्नी आ रही है, इन्हीं दीदी की शादी है। अब ये हल्दी की रस्म होगी। फ्रेंड आप देख रहे हैं ये चौक बनाई जा रही है, इसी के ऊपर ये पाटा रख के तभी हम ये देखिए। फ्रेंड आप सब लोग देख रहे हैं फंक्शन स्टार्ट हो चुका है, ये देखिए ये अभी कन्याएं आई हैं, सबसे पहले ये दुल्हन को हल्दी लगाएंगी, सबसे पहले कन्याएं दुल्हन को हल्दी लगाएंगी, उसके बाद में जो सुहागन है लेडीजें और वो हल्दी लगाएंगी। छोटी कन्या है कितना अच्छा लगता है, आप देख सकते हैं छोटी सी कन्या दोनों को हल्दी लगा रही है, बहुत ही प्यारा दृश्य है। आप सब लोग देख सकते हैं अब दुल्हन की सुहागनें जो बनी हुई हैं लेडीजें वो हल्दी लगा रही हैं, ये आप देख सकते हैं। आप गाइस देख सकते हैं ये देखिए हल्दी और उधर संगीत हो रहा है, उधर संगीत का कार्यक्रम, हम लोगों के यहाँ जो लेडीजें आती हैं वो ढोलक पे संगीत गा रही हैं, ये हम लोगों के यहाँ शगुन के संगीत होते हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है। फ्रेंड किसके किसके यहाँ ऐसे हल्दी की रस्म होती है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और ये फंक्शन अब स्टार्ट होके लास्ट होने वाला है और फ्रेंड अब जा रहे हैं अपने घर, थोड़ा काम आ गया है तो फंक्शन से बीच में जाना पड़ रहा है मुझे घर, तो प्लीज़ इस वीडियो को करिएगा लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, आपके 1 सब्सक्राइब तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।